हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप सब ने किताब में देख रखा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे होंगे, है ना, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारी बातें की होंगी। ध्यान से देखो तो ये चीज़ें 9th-10th में भी हमने पढ़ रखी थी मेटल एक्टिविटी सीरीज के नाम पे। वो धोखा हुआ था हम लोग साथ, छल कपट हुआ था। उसका रियल रीज़न क्या है वो आज हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। फिर ये होता है कि इसको याद करना है, उसके लिए कोई ट्रिक हो तो इंटरनेट पे हज़ारों इसकी मेमोनिक कोड अवेलेबल होते हैं, उसमें से कोई एक हम अच्छा आपको बता देंगे। बट वहाँ से सवाल बनता नहीं, सवाल बनता है उसके कॉन्सेप्ट से, ठीक है, उसको समझना कि क्या है वो सीरीज़ और कैसे डिसाइड करना कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा रिएक्शन होगा। ये चीज़ें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ चुके हो? आप पढ़ चुके हो गैल्वेनिक सेल, आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप पढ़ चुके हो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्स्ड इक्वेशन और EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। तो उसी सीरीज का एक आखिरी वीडियो है आज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उसके बाद आखिरी टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ठीक है। तो आज फेज 1 एक तरह से खत्म हो रहा है। सो माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर वेरी ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्टकट में आप इसको ECS भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? वही मेटल एक्टिविटी सीरीज है, पर जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझते हैं। ये कैसी सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, कई बार रेडिकल्स भी होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी रख देते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इतने दिन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप ये तो समझ ही गए होंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इसको हम यूज करेंगे SRP, है ना, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कब निकालना? स्टैंडर्ड कंडीशन पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 180 प्रेशर पे, और जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, या गैस है तो 180 प्रेशर हो। अच्छा, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किससे कंपेयर करके आता है? आपने पिछला लेक्चर देखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी ये जो वैल्यूज आज हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ये किससे कंपेयर होके आ रही है? हाइड्रोजन से, है ना। SRP इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। सबको पता होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP कितना होता है? 0 वोल्ट। तो जितनी भी हम वैल्यूज लिखेंगे, है ना, आज SRP की, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के, कि अगर वो 0 है तो ये वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। स्टार्ट करें, समझ गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है। कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनकी SRP की वैल्यू होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किया जाए बनाया जाए। चलिए, तो पूरी सीरीज तो आपको याद भी नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या है। तो ठीक है, मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स लिखूंगा और उनके बारे में बताऊंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद नहीं करना है। इधर हम ले लेते हैं रिएक्शन, यहां हम ले लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, साइड में हम यहां ले लेते हैं SRP। यहां पे ले लेते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा चलो, सबसे पहले लिस्ट में जो टॉप करता है वो होता है लिथियम, Li+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है Li। देखो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E0, क्योंकि स्टैंडर्ड है।
कहां से कहां चेंज हो रहा है, Li प्लस से Li में, तो ऐसे लिख लेंगे Li प्लस टू Li। इसका बच्चों जो SRP होता है वो होता है -3.05 वोल्ट व्हेन कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का SRP कितना हो, जीरो, तो इसका -3.05 वोल्ट। फिर सीरीज चलती है, लिस्ट चलती है, चलती है, चलती है, और कुछ एलिमेंट्स के बाद आता है जिंक। हम कुछ ही एलिमेंट्स दिखाएंगे यहाँ पे, पूरी सीरीज तो लिख नहीं सकते, ठीक है, याद करने के लिए लिख सकते हो, पूरी सीरीज की SRP याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम कुछ कुछ बताएंगे, आपको फील आने लगेगा। जैसे हमने लिया जिंक, तो Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया Zn। यहाँ पे देखो जिंक रिड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। रिप्रेजेंटेशन E0 Zn2+ से Zn, और इसकी वैल्यू करीब करीब -0.76 वोल्ट। इस ऐसे डैश 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 और एलिमेंट्स आए, और एलिमेंट्स आए, और एलिमेंट्स आए, आयरन आया, Fe2+ ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, बन गया Fe। E0 Fe2+ से Fe, और यहाँ वैल्यू है करीब करीब -0.45 वोल्ट। डैश 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 और एलिमेंट्स आए, डैश 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 डैश, इसके बाद आया हाइड्रोजन, H+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, बन गया H। आपको पता है हाइड्रोजन ऐसे नहीं रहता, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे दो H+ ले लो, दो इलेक्ट्रॉन ले लो, हाइड्रोजन भी रिड्यूस हो रहा है, सिंबल बनेगा E0 H+ से हाफ H2, है ना। चाहो तो ऐसे लिख लो 2H+ से H2 या H+ से हाफ H2, बैलेंस दिख रहा है ना। इसका जो SRP है वो 0 वोल्ट है, कितना आ रहा है 0 वोल्ट, तो इसके कंपैरिजन में इनकी नेगेटिव वैल्यू है। फिर और नीचे है जिग 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 जिग, फिर आया कॉपर, Cu2+ ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, बन गया Cu। तो कॉपर का भी क्या हो रहा, रिडक्शन, E0 Cu2+ से Cu, इसका वैल्यू है +0.34 वोल्ट। ये सब याद नहीं करना, आप हाइड्रोजन वाला जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ एलिमेंट आया जिग 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 जिग, फिर आया सिल्वर, Ag+ गेन्स वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Ag, E0 Ag+2 Ag इज +0.8 वोल्ट, 80 वोल्ट। और डैश डैश करते हुए आखिरी एलिमेंट पे हम पहुंचे F2 फ्लोरीन, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया 2F-। यहां से देखो F2 फ्लोरीन, अब फ्लोरीन की बहुत टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया 2F-। यहां हमने लिख लिया E0 F2 से F-, ठीक है, F2 से हाफ F- लिख लें, चलेगा, बैलेंस्ड भी है। इसकी वैल्यू है +2.87 वोल्ट, बहुत ज्यादा वैल्यू है, दिख रही है। तो ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें जो मेन चीजें हैं सब मिटा दूं मैं, यहां से डैश 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 मतलब बीच में और एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स रखे हैं उनका SRP नेगेटिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो रखे हैं उनका SRP पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन यानी हमारी बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर वालों का SRP है नेगेटिव और नीचे वालों का है पॉजिटिव, नोट करें इतना। अब इसकी मीनिंग क्या है, धीमे धीमे समझते हैं। SRP तो आपको याद कर लेना चाहिए हाइड्रोजन का, और याद कर लेना चाहिए लिथियम का, एक याद कर लो, और अगर याद करना है तो एक याद कर लो फ्लोरीन का। यानी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी स्पीसी का SRP -3.05 से छोटा नहीं हो सकता, +2.87 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बीच में बठेरे एलिमेंट्स हैं, एक दो नहीं बहुत है, ठीक है। अच्छा अब इसकी मीनिंग क्या है, है ना, बात आती है मीनिंग क्या, बाकी सब तो वैल्यूज हैं, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव वैल्यू, हाइड्रोजन के अंदर नीचे पॉजिटिव वैल्यू। ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग SRP का, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीज करने का। यहाँ पे ध्यान से देखो तो एलिमेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस कर रहे हैं। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस करने की, इसकी, जिसका SRP का वैल्यू जितना बड़ा वो उतनी जल्दी ये रिएक्शन करना चाहता है। मतलब फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है,
और लिथियम बहुत कम रिड्यूस होना चाहता है। लिथियम कितना रिड्यूस होना चाहता है? -3.05। नेगेटिव में टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, होना ही नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहता, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था, कोई टेंडेंसी नहीं है इसकी। और इसकी बहुत टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, कितनी टेंडेंसी है? 2.87। तो ऐसे भी देख सकते हो कि ये सीरीज बता रही है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। जिसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, वो सीरीज में उतना नीचे। चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो दिख ही रहा है आपको। जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे आ रहे हैं एसआरपी बढ़ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ रही है। क्या बोला मैं, ध्यान से सुनना लाइन, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। कौन जल्दी रिड्यूस होना चाहता है? Li प्लस की फ्लोरीन, फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या होता है? रिड्यूस होता है। सो टेंडेंसी ऐसे लिखेंगे, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ रही है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर ये खुद रिड्यूस हुआ है तो किसी का इलेक्ट्रॉन तो खाया होगा ना, अगल बगल से कोई बंदा होगा जो इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया होगा, उसी का तो ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो जिससे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा होगा उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, उसी को तो इसने खींचा होगा। यानी ये खुद तो रिड्यूस हुआ है पर किसी को तो ऑक्सीडाइज किया होगा, अपना तो नुकसान किया है पर किसी का तो फायदा किया होगा। ये फ्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन जो गेन किए, ये किसी और के तो गेन किए होंगे, खुद के थोड़ी ना, ये F2 तो कंप्लीट है, कहीं और से इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे उसका क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी उसका ऑक्सीडेशन किसने किया? फ्लोरीन ने। यानी जैसे जैसे नीचे आ रहे हो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस तो बढ़ रही, खुद तो रिड्यूस हो रहे हैं पर बन क्या रहे हैं? बन रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो जितना नीचे है उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो देखो ध्यान से समझो, एसआरपी के, देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें हमेशा, एसआरपी के ऑर्डर में लगी है सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ने के ऑर्डर में। ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज्यादा है। हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हम बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस हो जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। तो अगर हम रिड्यूस होंगे तो सामने वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा। भाई हम उसी का इलेक्ट्रॉन तो चुराएंगे, उसका इलेक्ट्रॉन चुराएंगे तो उसका तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसका ऑक्सीडेशन किसने किया? हमने। तो हम क्या बने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस सीरीज के जो सबसे नीचे रखा जाएगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वाइस वर्सा तो समझ ही रहे हो कि ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ऊपर जाओगे तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बढ़ रही होगी, खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। तो जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, तो आप ऊपर की तरफ जब आओगे तो आपको क्या मिलेंगे? ऊपर की तरफ आओगे तो आपको क्या मिलेंगे? मैंने क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे वाले खुद रिड्यूस होते हैं, एसआरपी बढ़े का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज्यादा है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया। और ऊपर वाले खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है इतनी, तो दे आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, रिड्यूस होने, नेगेटिव में टेंडेंसी है इनकी, ऐसा समझो ना। इसके कंपैरिजन में होने नहीं चाहते, इसके कंपैरिजन में होना चाहते। तो जितना नीचे आओगे उतना ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना ऊपर जाओगे उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? Li प्लस, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का अवार्ड इनको मिलता है। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अवार्ड फ्लोरीन को, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात? यही मेन कहानी आपको समझानी थी। मोर एसआरपी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेस एसआरपी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपी कर ले, यही एक बात इसमें इंपॉर्टेंट थी। हाइड्रोजन का याद रखना, लिथियम का याद रखना
और फ्लोरीन का. क्लियर है? मिटा दे. ओके. अब जैसे इस पे सवाल आया हुआ है, एक 98 का कराते हैं, 1998 आईटी करा देते हैं, एक 2017 मेंस का करा देते हैं, 2017 आईटी मेंस में भी आया था. तो 98 में क्या पूछा था हमसे, हमारे पास तीन एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, तीनों का हमें एसआरपी दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. एक्स का है 0.52 वोल्ट, वाई का है -3.03 वोल्ट और जेड का है -1.18 वोल्ट. हमसे कहा है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताइए. ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर एक्स वाई जेड की, कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन खराब रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हमने आपको क्या बोल दिया, हमने बोल दिया भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड. गेट रिड्यूस्ड मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना बढ़िया. तो अगर एस आर पी के फॉर्मेट में देखो तो सबसे ज़्यादा एस आर पी एक्स का है, फिर जेड आएगा, फिर वाई आएगा. सबसे ज़्यादा एक्स का है, फिर जेड आएगा, फिर वाई सबसे कम, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए. तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर एक ही बात हुई ना, रिड्यूसिंग एजेंट होना या रिड्यूसिंग पावर होना क्या हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन एक्स. तो ये वाले सवाल बहुत आते हैं, बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल. क्या करना है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतने बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतने खराब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के उल्टा कर दो. क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ऐसा ही एक सवाल और कौन सा आया, ये 98 में आया था आईटी में, बहुत पहले, अभी रिसेंटली 2017 मेंस में इसी का सवाल आया, एकदम सेम कंसेप्ट पे. क्या था सवाल, ऐसे लिख के दिया था, क्या दिया था, E नॉट Cr3+ से Cr इज इक्वल्स टू -0.74 वोल्ट, E नॉट Cr2O7 माइनस से Cr3+ इज इक्वल्स टू 1.33 वोल्ट, E नॉट MnO4 माइनस से Mn2+ 1.51 वोल्ट, E नॉट Cl से Cl माइनस इज इक्वल्स टू 1.36 वोल्ट. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑप्शन ए Cl, ऑप्शन बी Cr3+, ऑप्शन सी Mn2+, ऑप्शन डी MnO4-. चलिए बताइए, सोच के बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सोच लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया, बताएं हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं. चलिए तो हमसे हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया जितना ज़्यादा SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज़्यादा टेंडेंसी खुद रिड्यूस हो जाएं, खुद रिड्यूस होंगे, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी हम क्या बन गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी जितना ज़्यादा SRP उतने बेटर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो भैया इसमें सबसे ज़्यादा SRP किसका है, माइनस में प्लस में प्लस में प्लस में, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसका है. ये हो गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं, सबसे ज़्यादा SRP की वैल्यू दे रख. देखो SRP है कि कुछ और है, ये भी चेक कर लो कि ये लिखा नहीं था SRP. देखो SRP है कि नहीं, Cr3+ से Cr, देखो रिडक्शन ही तो हो रहा है, 3+ से 0, तीन इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा. यहाँ देखो Cr2O7 माइनस Cr3+, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 6+ आएगा, निकाल सकते हो ना एक्स मान के,
इसको x मान लोगे तो 2x, ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस टू, तो माइनस टू इंटू सेवन माइनस फोर्टीन, पूरे पे चार्ज है माइनस टू, यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी आ रही प्लस सिक्स, तो प्लस सिक्स से प्लस थ्री, रिडक्शन हो रहा है तीन इलेक्ट्रॉन गेन करके। यहाँ मैग्नीज निकालोगे प्लस सेवन में, x मान लो x माइनस ऑक्सीजन का दो, दो चौके आठ इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये करना आता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसको x माना x माइनस फोर टू जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो x इज इक्वल्स टू प्लस सेवन, तो प्लस सेवन से प्लस टू, पाँच इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ क्लोरीन जीरो में है, यहाँ माइनस वन में एक इलेक्ट्रॉन, यानी सब रिडक्शन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट नॉट लगा है, तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि इसका हाईएस्ट एसआरपी। तो आंसर हो जाएगा, अब देखो आंसर में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, अब बताओ ये होगा कि ये होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो यार लिख के देख लो रिएक्शन, MnO4 माइनस, Mn किस में है प्लस सेवन में, ऐसे लिख लें MnO4 माइनस, इसमें Mn किस में प्लस सेवन में, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने गेन करने पड़ेंगे, पांच इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे टू फॉर्म Mn2 प्लस, है कि नहीं, यहाँ Mn प्लस सेवन में, इसमें प्लस टू में, तो भाई इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन? भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले, जिसका इलेक्ट्रॉन लेगा उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ेगा ना, तभी तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो किसने छीना, इसने छीना कि इसने छीना, इसने छीना, तो दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो लिख के आप समझ सकते हो, है ना, इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है किसी का, तीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसी का तब ये बनेगा, क्लियर है? तो छोटा सा कंसेप्ट था, अब जो रट के आया वो ही नहीं समझ रहा है, क्लियर है, इसलिए मैंने रिएक्शन लिखी साइड में। तो सवाल तो यही सवालते हैं यहां से कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करो, बाकी बच्चों को याद करनी रहती है सीरीज, तो यार हर किताब में सीरीज थोड़ी थोड़ी अलग दी रहती है, एनसीईआरटी में कुछ और दिए, किसी किताब में कुछ और दिए, कहीं एलिमेंट कम दिए कहीं ज़्यादा दिए, मतलब हज़ारों एलिमेंट है, किसी का भी लिख सकते हैं, और एलिमेंट क्या मॉलिक्यूल्स का भी लिखा होता है, आयंस का भी, देख रहे हो आयंस MnO4 माइनस, आयंस का भी लिखा होता है। तो यार जो एक सीरीज इसकी बहुत फेमस है वो हम आपको बता देते हैं, लिख लो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज, लिथियम पोटेशियम स्ट्रॉन्टियम कैल्शियम, और एनसीईआरटी में कैल्शियम यहाँ पे लिखा है पोटेशियम के जस्ट बाद, इसमें भी डिफर करती हैं किताबें, कभी सवाल इतना कंफ्यूज करेगा नहीं, वैसे एनसीईआरटी में यहाँ दिया है, अब बोलो कौन सा सही लें, सब यहाँ से सवाल आएंगे नहीं, सवाल आपके वहीं से आएंगे जहाँ से वैल्यूज दे रखी है जो सिलेबस में, सोडियम ठीक है यहाँ तक आए, इसके बाद हाइड्रोजन आएगा सीरीज में, हाइड्रोजन से आपको पता है कहानी बदलती है, ठीक है, इसका एसआरपी कितना होता है, इसका एसआरपी जीरो वोल्ट, इन सब का एसआरपी नेगेटिव है और इन सब का एसआरपी पॉजिटिव, आपको पता है ना हाइड्रोजन के नीचे एसआरपी क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो इन सब का एसआरपी पॉजिटिव, यहाँ एसआरपी नेगेटिव, बाकी सीरीज नीचे जाते वक्त एसआरपी बढ़ रहा है ना, आपने वैल्यू देखी ली, इसका एसआरपी कितना था माइनस 3.05 वोल्ट, और यहाँ पे फ्लोरीन भी आएगा, इसमें फ्लोरीन को शो नहीं किया इस लिस्ट में, फ्लोरीन हैलोजेंस की बात नहीं की है, बेसिकली इसमें आप देख लो ध्यान से, तो हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज जो आप याद करते हो, तो यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा लास्ट में, और फ्लोरीन का कितना दे रखा है प्लस 2.87 वोल्ट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है ये, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को आप मेटल एक्टिविटी सीरीज भी बोलते थे। तो इसको याद करने का तरीका होगा लिक बा सर का ना मग अल मंजन क्रोफी को नी पब, एच से अब सीरीज तोड़ेंगे हम, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, तो लिख दे रहे हैं इसको याद, आप ऐसे करोगे लिक बा सर का ना मग अल मंजन क्रो फी को नीपब, यहां तक हो गया फ्रो क्रो फी को नीपब, ठीक है, लिक बालिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रॉन्टियम का कैल्शियम ना सोडियम मग मैग्नीशियम अल एल्युमिनियम मन मैंगनीज जन जिंक क्रो क्रोमियम
फी आयरन को कोबाल्ट नी निकल पब लेड. इतना क्लियर है. लिक बा सर का ना मग अल मन जन क्रो फी को नी पब. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब यहाँ से सीरीज टूटेगी. यहाँ तक नेगेटिव चल रहा था पोटेंशियल, इसके बाद जीरो होगा हाइड्रोजन. फिर उसके बाद आगे बढ़े हाई कोर्ट है आपका. हाई कोर्ट है किसका? आपका. ठीक है. अब आपका मतलब जो भी समझना हो समझ लो, पॉलिटिकल पार्टी किसे रिलेट करना हो तो रिलेट कर लो. हाई कोर्ट है आपका. अब हाई का मतलब हाइड्रोजन, कोर्ट का मतलब कॉपर, है का मतलब मरकरी, ए का मतलब ए जी, ए का मतलब ए यू, है ना, सोना चांदी, और ये प्लैटिनम, है ना, चांदी सोना और प्लैटिनम. इन सब का एसआरपी पॉजिटिव. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप कह सकते हो. बट बेसिकली यहाँ से सवाल आते नहीं हैं. आप जेई का पेपर उठा के देख लो, नीट का पेपर उठा के देख लो, तो वो सवाल पूछते हैं एसआरपी देने के बाद कि आपको कॉन्सेप्ट आता है नहीं. जिसका एसआरपी ज़्यादा यानी उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसी का खींचेगा, जिसका खींचेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा. जिसका एसआरपी ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा, और वो बनेगा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बस ये एक लाइन होती है, बाकी सब तो खेल है. लिखने को आप याद रख सकते हो लिख बा सरकाना मगल मंजन क्रो फी को नी पब. हाई कोर्ट है आपका. इसमें बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट किताबें अलग अलग थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाती हैं. किसी में कुछ एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, किसी में कम. जैसे एनसीईआरटी में मैंने बताया कैल्शियम यहाँ पर लगाया गया है. क्लियर है? मिटा दें. चलिए, तो ये हो गई सीरीज. अब बात आती है इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे. तो इसका एक बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन है. इससे तो कई एप्लीकेशन है. एक तो मैंने अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना सिखा दिया, है ना. इसका एक एप्लीकेशन है टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. ठीक है, ध्यान से देखना. गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस कब होती है, इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया है हमने. तब होती है जब सेल का ईएमएफ ग्रेटर देन जीरो हो. अच्छा, सेल का ईएमएफ हम कैसे निकालते थे? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. तो कोई भी सेल बढ़िया काम तब करेगी जब उसका ईएमएफ ग्रेटर देन जीरो हो. भाई चलेगी तभी, है ना. यानी ई नॉट ऑफ सेल शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ये तभी होगा जब ई नॉट ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ एनोड, है ना. भाई ये वाला टर्म बड़ा हो, ये वाला टर्म छोटा हो, तभी तो काम बनेगा. अच्छा, आप सीरीज की बात करो तो कैथोड नीचे से उठाओगे कि ऊपर से? ये सब सोच के बताओ, देखो और सोचो बताओ. कैथोड नीचे से आना चाहिए या सीरीज में ऊपर से आना चाहिए? भाई डेफिनेट सी बात है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से ज़्यादा होना चाहिए. तो जैसे जैसे सीरीज में हम नीचे आ रहे थे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा था. सो कैथोड शुड बी एलिमेंट, कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड, है कि नहीं? भाई एनोड ऊपर वाले हो, नेगेटिव वाले हो, थोड़े कम वैल्यू हो. कैथोड नीचे वाले हो, पॉजिटिव वाले हो, ज्यादा वैल्यू हो, तभी तो इसमें से ये माइनस करोगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा. बात समझ रहे हो? तो जितने ऊपर वाले हैं वो कैथोड फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है. जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं, यहाँ मान लो लिथियम है, और नीचे एलिमेंट्स लिखे हैं, यहाँ मान लो फ्लोरीन है. तो हाइड्रोजन से ऊपर जो है उनको कैथोड बनाओ, और नीचे जो है उनको, सॉरी, ऊपर जो है उनको एनोड बनाओ, और नीचे जो है उनको कैथोड बनाओ. ठीक है, ऐसे समझ लो. कंपेरेटिव है, हो सकता हो दोनों ही ऊपर से उठा लें, वो भी मना ही नहीं है. तो ऐसा समझ लो, सीरीज में जो नीचे है कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड. ये एक लाइन याद रख लो. सीरीज में जो नीचे है उसको कैथोड बनाओ, क्योंकि नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है. तो ज़्यादा में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा, तभी आपके पास एक स्पॉन्टेनियस सेल बनेगी, है ना, खुद से चलने वाली सेल. क्लियर है? क्लियर है? जैसे हम आपको चॉइस दे दें कि मान लो हम सीरीज पहले कंप्लीट कर दें, लिख बा सरकाना मगल मंजन लिख दें यहाँ पे थोड़ा सा,
जरा देखो हम सीरीज आपको लिख के थोड़ी बहुत दे रहे हैं, लिख बा सर का ना मग अल मन जन क्रोफी को नी पब हाई कोर्ट है आप का, ठीक है, वगैरह वगैरह ऐसे लिखा है। अब मान लो आपको पता है ना ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग है ना एस आर पी, यहाँ एस आर पी की वैल्यू हमको दे दी -3.05 वोल्ट और यहाँ एस आर पी की वैल्यू हमको दे दी +2.87 वोल्ट और बीच में हाइड्रोजन की एस आर पी की वैल्यू हमको दे दी 0 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे कहा कि हमको एक बढ़िया सेल बनानी है तो एक बात कॉपर जिंक की, तो बताओ कॉपर जिंक में से किसको कैथोड किसको एनोड बनाए, कॉपर जिंक की हमको एक सेल बनानी है तो बताओ किसको कैथोड और किसको एनोड। तो अगर सेल चलती हुई है तो इसका ईएमएफ ग्रेटर देन जीरो हो, है ना, तो तभी होगा जब कैथोड का एनोड से ज़्यादा एसआरपी हो, है ना। तो हम नीचे वाला जो है उसका एसआरपी ज़्यादा है तो हम कैथोड नीचे वाले को पकड़ लें, एक जिंक है एक कॉपर है ना, तो इसका एसआरपी इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली कॉपर को क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड, और जिंक को क्या, एनोड, समझ गए कि दो में से जो नीचे दिखे उसको कैथोड बना दो तभी सेल चलेगी, है ना। नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है माइनस करके तभी तो प्लस आएगा, है कि नहीं। बस यही एक एप्लीकेशन इसका बढ़िया है, बाकी तो यार छोटे मोटी चीज़ें हैं जैसे मिटार के बताते हैं, मिटार दें, समझ गए हैं चीज़, नीचे वाले को क्या बनाना है, कैथोड, दो में से दो एलिमेंट दे दिए पूछा किसको कैथोड किसको एनोड, तो जो नीचे रखा है उसको कैथोड जिसका एस आर पी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एक एप्लीकेशन आपने ये पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस से, क्या मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में आपने पढ़ा, ये रिएक्शन कई बार देखा होगा, जिंक प्लस H2SO4 ले लिया डाइल्यूट तो रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4+H2, है ना। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएं ऊपर वाले एलिमेंट्स का तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो बड़ा आसान है इसको समझना, यहाँ देखो जिंक किस स्टेट में है, जीरो, और यहाँ पे सल्फेट के साथ अटैच हो गया यानी +2, यहाँ हाइड्रोजन किस स्टेट में है +1, यहाँ किस स्टेट में है जीरो, यानी हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पे होता है कैथोड पे, है ना, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन जीरो से +2, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है एनोड पे। जरा ध्यान देखो कौन कैथोड बना कौन एनोड, सीरीज में जो नीचे रखा है वो क्या बना है कैथोड हाइड्रोजन, और जो ऊपर रखा है वो एनोड बना है, यानी ये जो रिएक्शन होगा ये जो सेल बनेगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी ये सेल रिएक्शन कैसा होगा स्पॉन्टेनियस, इसीलिए फिनोमेना हम लोग बचपन में देखते थे कि हो जाता था, मेटल्स अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, नीचे वाले नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कोई पूछ ले कि क्या ये रिएक्शन होगा कॉपर प्लस HCl डाइल्यूट, क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कोई हमसे पूछ लिया CuCl2+H2, मान लो हमसे किसी ने पूछ लिया रिएक्शन होगा कि नहीं, तो यहाँ कॉपर जीरो में है यहाँ कॉपर प्लस टू में है, ऑक्सीडेशन यानी ये क्या बन रहा है एनोड बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन प्लस वन में है यहाँ जीरो में है यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ रिडक्शन, यानी ये कैथोड बन रहा है। अब ध्यान से देखो कॉपर और हाइड्रोजन में नीचे कौन है कॉपर है, तो कॉपर को क्या बनाना चाहिए था कैथोड बनाना चाहिए था और आपने कॉपर को क्या बना दिया एनोड, यानी ये सेल स्पॉन्टेनियस नहीं है काम नहीं करेगी, तो ये सेल रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, समझ गया रीजन, बचपन से पढ़ते आ रहे थे ये कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, क्यों हो रहा था समझ गए, है ना, क्योंकि जब आप अबव वाले लेते हो तो उस केस में सेल रिएक्शन लिखने पे हाइड्रोजन कैसे बिहेव कर रहा है कैथोड के जैसा, बढ़िया है नीचे वाला कैथोड है ऊपर वाला एनोड है, सही है, पर जब नीचे ले रहे हो तो कहानी गड़बड़ हो रही है, कॉपर बिहेव कर रहा है एनोड जैसे, अब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्लियर है। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है और इसमें कोई खास बात बताने वाली नहीं है।